पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिला है कि एक लड़का 19 साल का है, वो व्यापारियों के बीच में ये जो नकली नोट चलाने की प्रयास कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे हमने उसको पकड़ लिया और उसके पोजेशन में 1450 रुपये का नकली नोट मिल गया। उसमें 7 नोट 100 रुपये का और 15 नोट 50 रुपये का मिल गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये स्टूडेंट है, कॉलेज में ग्वालियर में पढ़ाई करते हैं और उनका कुछ पैसे की आवश्यकता पे उसके दोस्त से पैसा मांगा तो उन्होंने ये पैसा दिया उनको। उसको पता था कि ये नकली नोट है, दोस्त ने ये बता दिया कि ये चल जाएगा। और ये दोस्त के लिए हम तलाश कर रहे हैं। अभी तक जो पूछताछ में इतना बताया है कि ये बिन का रहने वाला है, इसके लिए और ये पैसा कहाँ से आता है, इसका सोर्स कहाँ है, उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका क्वालिटी तो उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, नॉर्मल हैंडमेड टाइप का लग रहा है, नॉर्मल प्रिंटर पे बना हुआ है। बट ये कहाँ से शुरू हो गए, इनका सोर्स और इनके पीछे कौन कौन है, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन